अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये हम गुजरांवाला जा रहे हैं, बल्कि हम गुजरांवाला पहुंच चुके हैं। हम अपने जो न्यू केज मैंने बनाया है, वो जो पिछले दो व्लॉग्स में मैं उस पर काम कर रहा हूँ, अब कंप्लीट हो गया वो, उसके लिए मैं बर्ड्स लेने जा रही हूँ गुजरांवाला में। एक सेटअप है छोटा सा वहाँ से, तो अब वहाँ से मैंने फिंचेस वगैरह डायमंड वगैरह लेनी है, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ। तो वो लेके वहाँ उनका सेटअप भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। जो बर्ड लिए हैं वो भी आपको दिखाऊँगा। ये हम आए हैं गुजरांवाला में, अब भाई हैं एक, इनका एक छोटा सा सेटअप है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ब्रीड्स रखी हुई हैं। यहाँ से हम लेंगे ज़ेब्रा फिंचेस और जावा फिंचेस और डायमंड डफ के जो दो तीन पट्टे हैं वो लेके जाएंगे। अपना वो जो न्यू केज हमने बनाया है, जो दो बनाए हैं, वो रैक को चेंज करके केज में, उसके लिए लेके जाने हैं हमने अभी। इनका बाकी भी जो जितने भी ब्रीड्स हैं वो भी मैं सारी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है जी ज़ेब्रा फिंचेस, ये जावा फिंच, जावा फिंच, और ये वो है लव बर्ड, ये फिशरी है, ये दूसरे भी हैं, वो येलो है, वो ब्लू टाइप है, ये हो गुरु कॉमन फिश। तुमने अभी कौन से लेने? पहले कॉमन फिश, हाँ गुरु होता है। हम इनके पीछे कितना भागे थे। ये पेयर है, अंदर छिखा गए। ये देखो, ये भी प्यार है। यहाँ कौन है? वो अंदर बैठे हैं शायद, उन्होंने अंडे दिए। एक बीमार है जिसको आपने लेदर रखा हो, ये वाला बीमार नहीं, मैंने लाहौर से मार कर लिया था, तो उसकी हालत अच्छी हुई है। तो मैंने इसलिए लगा दिया है, मतलब ठीक है। पहले थोड़े दिन इसमें रखूँगा, ज़्यादा रखूँगा, ये तो बोला बीमार हो गया। बीमारी को पता चलता है उनसे, और किसकी ठीक है वैसे। हाँ, उसका बच्चा भी है, अभी बच्चा दे। चार बच्चे नहीं, नहीं ये उसका एक फोस्टर। हाँ वही फोस्टर, और बाहर ये जो नीचे नहीं है इसका भी फोस्टर। ये हम लेके आए हैं डायमंड डव, और डायमंड डव के तीन जो पट्टे हैं, पट्टे में से भी अब देखेंगे कि इसमें से मुझे उम्मीद है एक जोड़ा निकल आएगा। एक ना निकला, एक तो निकल ही आएगा ना, तो जो अगर एक्स्ट्रा हमारे पास मेल हुआ हम मेल फीमेल ले आएंगे, फीमेल हुई तो मेल ले आएंगे। और ये ज़ेब्रा फिंच है जो बड़ी ही मासूम है, और इसमें भी एक रिंग बर्ड है, वो कहाँ गया? हाँ ये जो है ये रिंग बर्ड है, देखें इसके पाँव पे रिंग है, तो टिकेगा तो ना। तो ये दो पेयर है हमारे पास, ये ब्रीडर पेयर है, और साथ में ये जवा फिंचेस हैं। जवा फिंचेस के दो पेयर हैं, एक इसमें वाइट है, एक ज़रा सिल्वर सी है, और बाकी जो दो हैं वो ग्रे ग्रे हैं, वो एक एक जैसे हैं। वो दो मेल हैं, बाकी दोनों जो हैं वो फीमेल हैं। ये हमने फिंचेस और डफ को केज में रख दिया, इन्हें भूख लगी हुई थी, ये पानी पी रही हैं, कुछ दाना खा रही हैं, कुछ ये हमने कल इसमें लगा दी थी। तो ऊपर भी हमने वो जवा फिंचेस को भी रख दिया, तो उसमें भी दो कुजियाँ लगाई हैं, दो पेयर वो उनके जावा फिंचेस के हैं, एक पेयर ये ज़ेब्रा फिंच के, और ये तीन पट्टे हैं ना जो इसके डफ के हैं। ये मैंने पट्टे लिए हैं, मैं कब जब तक ये दुनिया सेट होना है तब तक ये बड़े हो जाएंगे, तकरीबन एक दो माह तक ये बड़े हो जाएंगे। उसके ऊपर हमने ये लगाई है शीट, प्लास्टिक शीट लगाई है जिससे ठंड से बचे रहें, और इसके अलावा इसके ऊपर हमने एक वो पर्दा भी लगाया है ताकि अच्छी तरह ठंड से ना, जो इन्हें हम इन्हें कवर रखें, इन्हें ठंड बड़ी लगती है। तो ये वाला हमारा दराज भी कंप्लीट हो गया है, ये देखें इसमें हमने की ये मेडिसिन वगैरह रखी हैं, दाना वगैरह, और बाकी इनकी जो चीज़ें हैं जिनके रिलेटिव हैं, ये सब कुछ हमने इसमें रख दिया है। ये हमें एक दराज भी मिल गया,
पेंट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पेंट भी सूख गया। ये ऐसे ऐसे इधर से उठाते हैं हम, यहाँ से उठा के इधर से दाना वगैरह आ गया। हमने अंदर बल्ब भी लगाए हैं, मतलब इन्हों का सर्दी से बचने का जो सारा इंतज़ाम जितना हम कर सकते थे ना वो कर दिया माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा जो है ना वो अब लग रहा है केज। एक छोटी टूटी अलमारी को जिसमें चूहियाँ बच्चे दे जाती थी उसको हमने इस तरह से दो दिन लगा के, हमने उसे 2 से 3 दिन लगा के हमने उसे इतना प्यारा बना दिया। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये इस तरह जो है ना खोलते हैं इसे, मैं आपको अपनी जावा फिश दिखाता हूँ। इसमें दो एक तरह की हैं, एक वाइट है और एक ना और है, दो ग्रे है, एक सिल्वर है, एक और इसकी ब्रीड का जो है ना वो हाथी को सही से पता है, वो इस पे बॉक्स में बैठती हैं। दूसरी कहाँ है वो, ये है। अभी बताओ इनके बारे में थोड़ा। ये जो ग्रे ग्रे हैं इनको ग्रे कहते हैं कॉमन वाइल्ड, और ये जिसके साथ अभी आके बैठी है ना नीचे, ये सिल्वर है, और ऊपर और ये जो ऊपर वो बैठा है वो वाइट है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि मतलब पेड़ किसका है, लेकिन एक ग्रे के साथ सिल्वर है और एक ग्रे के साथ वाइट है। हाँ, और नीचे मैं आपको अपनी ये भी दिखाता हूँ जरा एक दफा फिर से। ज़ैबर आओ बंद करो दी ऊपर से दरवाज़ा, बस बंद करना बोल गया। अब अपनी ज़ैबरा फिंच और ये पट्टे भी दिखाते हैं डायमंड ऑफ के। मुझे डायमंड ऑफ और ज़ैबरा फिंच ज़्यादा पसंद है, जावा बर्ड जो है वो हादी को ज़्यादा पसंद है। तो वो पेड़ ऊपर बैठा हुआ है, एक पेड़ मर गया मारा। हाँ वो मारा मर गया, वो सर्दी की वजह से पहले दिन नहीं तो एक ही पेड़ रह गया, इसलिए हमने 2 बॉक्सेस यानी कुजियाँ लगाई थी। ये हमारे डायमंड ऑफ बैठे हुए मज़े से। इन्हों में से ये 2 जो हैं वो बड़े हैं, थोड़े बड़े हैं, एक ज़रा ज़्यादा पट्टा है। और जावा फिंच कहूँ, हमारी जो फिंचिस हैं ज़ेब्रा फिंचिस, इसमें मेल जो है वो रिंग बर्ड है। रिंग बर्ड का होता है कि वो इम्पोर्ट टाइप हुए होते हैं। बंद करें अब इसे, ये इसे बंद किया, ये इसका लॉक हुआ, आगे शीट कर दी, और अब इसके आगे पर्दा कर देंगे। ये अब इन दोनों ने दाना वगैरह खा लिया, लाइट्स जो इनकी जल्दी रहेंगी, आगे हमने शीट्स वगैरह कर दी हैं, और अब बस इनके आगे पर्दा कर देंगे। कर दो इनके आगे ना पर्दा, ताकि हम चाहते हैं कि इन्हें किसी भी तरह की ठंड से बचे रहेंगे, इन्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। बस पर्दे से भी ये कवर, शीट से भी कवर, अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करते हैं, बाकी जो होना है वो तो हो जाना है।